विपक्ष को अब ये लगने लगा है कि उसका सुपड़ा साफ होने वाला है और बहुत दिन तक झूठ का खेती नहीं चलता। पहले रोजगार पर, फिर विशेष राज्य के दर्जा पर, फिर कभी दलित महिला के साथ बलात्कार पर, लेकिन सब कुछ में राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में बेनकाब हो रहा है। अपराध करने वाले उनके लोग, बलात्कार करने वाले उनके लोग, तो अब उनका मनोबल गिरता जा रहा है। नहीं, अभी देख रहे हैं उसको कि क्या वो खाली हुआ है, तो उसी में हम लोग देखने गए थे कि अभी क्या है उसमें, किस तरह का ये है। इस वाले है कि तेजस्वी यादव भ्रमण पर निकलने वाले, उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ी हिदायत दी है अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कि आप हरा रंग का गमछा नहीं लेकर चल सकते हैं, कमर में बांध कर नहीं चल सकते, हरा टोपी ही सिर्फ धारण करके चलना है आपको। देखिए है क्या, हमेशा आरोप लगाते भी रहे थे शुरू से कि मतलब वहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दबंगई दिखाने की कोशिश होती है, तो लगता है कि बीजेपी के बयान आने के सामने के बाद ये निर्णय लिया गया। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि प्रतिपक्ष को अब ये लगने लगा है कि उसका सुपड़ा साफ होने वाला है और बहुत दिन तक झूठ का खेती नहीं चलता। पहले रोजगार पर, फिर विशेष राज्य के दर्जा पर, फिर कभी दलित महिला के साथ बलात्कार पर, लेकिन सब कुछ में राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में बेनकाब हो रहा है। अपराध करने वाले उनके लोग, बलात्कार करने वाले उनके लोग, तो अब उनका मनोबल गिरता जा रहा है और प्रतिपक्ष का मनोबल जो गिरा है उसी के लिए वो अपना नाव डूब ना जाए, इसके लिए ये अंतिम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हरा गमछा पर रोक के पीछे क्या कहना? अब गमछा पर रोक काहे लगाई तो वही बताएंगे। सतर्क हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं कि कहीं जितना गड़बड़ी में लोग पकड़ा रहे हैं उनका, तो उनको लग रहा है कि सब बच के रहे। सड़कों पर एक लंपट प्रवृत्ति भी दिखती थी जिस तरीके से गमछा और ये सब लेकर चले। नहीं, मैंने कहा ना कि ये उनका अपना सोच है, उसमें हम लोग को कुछ नहीं बोलना है। एक सवाल और है, राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, हम लोगों को फिर से राज्य बनाने और उसमें एक बात उन्होंने और कही है कि वहाँ एक राजा के रूप में एलजी को बना दिया गया है जो वहाँ के धन संपदा को बाहर के लोगों में बांट रहे, तो आखिर देश के लोगों को बाहर का लोग। देखिए, कांग्रेसी और कांग्रेस के नेता को सर माना चाहिए। एक ही देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान था और 75 साल तक इन कांग्रेसियों ने अलगाववादी तत्व और देश विरोधी ताकतों के पैर पर जो है अपना पैर पर झुक करके देश को चला रहा था, घुटना टेक दिया था। राहुल गांधी के अपने स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी के किए हुए गलती पर माफी मांगना चाहिए कि हिम्मत नहीं था कि अलगाववादी ताकत के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी ताकत के खिलाफ कुछ बोल पाता। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने धारा 370 हटाने का काम किया। इसलिए कांग्रेसियों को अगर थोड़ा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अलगाववादी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा, देश विरोधी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा, तो इसलिए जो है कांग्रेसियों को तो पता नहीं भगवान भी माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं मुझे तो थोड़ा शक है, फिर भी हम पता करके बताएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम शुरू से करेंगे, संविधान खतरे में है और लोगों का अधिकार छीने जा रहे हैं। अब छोड़िए ना, ये सब जितना टुटपुंजिया नेता सब है उनके पास विकास की मुद्दा है नहीं, तो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज प्रतिपक्ष में कोई भी एक नेता अब विकास का बात नहीं उठाते हैं। आप कभी सोचिए, जितने पत्रकार बंधु हैं, इन लोगों ने जो समाज का जो सही मुद्दा था अब उससे भाग गए, पहुंच गए भावनात्मक बात पर। तो कभी आप लोग भी इस बात को सोचिए कि अब इस देश में विकास का मुद्दा प्रतिपक्ष के पास नहीं रहा। जो भी गलत करेगा वो जेल जाएगा। अभी DCLR गया है वहां का जेल, महाराजगंज का।
बहुत लोग जो है, मैंने कहा कि करीब 3 दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी सस्पेंड हुए हैं, और आज मैंने पूरे बिहार के अंचल अधिकारी को बुलाया था, आज 76 CO आए थे, 12 तारीख को फिर 150 के आसपास आएंगे, फिर 19 को 150 के आसपास आएंगे। हमने सबको कहा है कि कोई भी शिकायत जनता का नहीं आना चाहिए,